आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जारी किया, जो किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, हमारे वो छोटे छोटे व्यवसायी जो सड़कों पर बैठ के रेहड़ी वाले, इन सभी लोगों की चिंता करते हुए उन्होंने शुरुआत करी। इस वैश्विक महामारी के समय पर इस कार्य योजना को उन्होंने जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूती के साथ शुरुआत करी। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम था, जो मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत ने हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आह्वान किया कि आप स्वदेशी को अपनाइए, जो इस धरती पर है, जो इस धरती से आया। वैसे भी भारत की संस्कृति बहुत समृद्धशाली है, और ये हमारी संस्कृति ही है जिसने हमें बचाया है, और इस संस्कृति ने हमें एक पहचान दी, इसके स्वदेशी अपनाइए, और इस स्वदेशी के लिए आप वोकल होइए। वोकल फॉर लोकल के उन्होंने एक नारा दिया, और इस नारे के साथ पूरे देश के नागरिक आज देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में। अगर कोई एक टिप्पणी करता है किसी की फेसबुक पर, तो उसके ऊपर केस हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। हर FIR के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं थानों पर। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि ये मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगता है इनके फेसबुक पर, तो उस समय ये चुप रह जाते हैं। अभद्र टिप्पणियां होती है। देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सबका होता है, केवल एक दल का नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य का विषय, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहा है। और मैंने इस विषय को कहा भी था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 15 साल तक लगातार अपने सफल सरकार के कार्य योजना को उसने धरातल पर उतारा है, लेकिन 1.5-2 सालों में आप देश प्रदेश की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति आज बदल गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो स्थिति है, इस सरकार ने जो कहा उस पर एक विषय पूरा नहीं किया, शराबबंदी का विषय सरकार ने पूरा नहीं किया। गंगा जल लेकर कसम खाने वाले हमारे उस समय मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इन्होंने गंगा जल लेकर कसम खाई, शराबबंदी की बात की, आज इस विषय पर मौन है।